वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अमन अमन ने जो डायरेक्ट किया है और जो गज्जू का हमारा जो जिस तरह से उसने गाया है इसको, मैं तो यही कहूँगा ना, होना हमसे दूर आपको बहुत टाइम हो गया था, बट बहुत ही अच्छे गाने के साथ कमबैक किया है। एंड अमन जो है वो मेरे दोस्त हैं बहुत खास, उन्होंने जो डायरेक्ट किया है, आपने देखी है वीडियो, आपको मैं एक अलग से नज़र आती है डायरेक्शन, पता लगता है कि कितनी मुश्किलों में डायरेक्ट की गई है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द एंटायर प्रोजेक्ट, आई एम वेरी एंड कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम, बहुत ही बेहतरीन गाना शुरू। मेरे गाने के लिए हाँ, गाना बहुत हिट है, सुपर हिट है, और सॉरी हाँ, गाना बहुत हिट है। मैंने मैंने पहले कश्मीर में कभी शूट नहीं किया था, ये मेरा पहला टाइम था कि मैंने कश्मीर में शूट किया। कश्मीर के बारे में सुना बहुत था कि इसमें होता है बर्फ होती है, बहुत कुछ सुना था मैंने, बट उससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में शूट कर चुका था, वहाँ पे भी बहुत स्नो होती है, बहुत बर्फ होती है, तो इतना मुझे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ वहाँ पे। और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया शूटिंग के टाइम पे भी, बाकी जो बहुत प्यारे लगे। यस यस यस, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मेरी टीम तो अगर आप इस गाने की BTS पे जाके देखेंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ, खुद अपना कैमरा लेके खुद ही पहन के खुद ही कर रहे हो। और गजेंद्र के साथ मैंने पहले भी काम किया है, मेरे बहुत सारे गाने गजेंद्र के साथ ऑलरेडी रिलीज है। एंड गजेंद्र का कमबैक बहुत अच्छा था, ये जो गैप आया बीच में बहुत ही प्यारा कमबैक। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे भाई को करण को कि आप मेरे लिए आए यहाँ पे, आपने ना होना हमसे दूर, मैं वही बोल रहा था इनको, भाई ना होना हमसे दूर। करण के साथ मैंने गाना किया है, हमने शूट किया था दुबई में, जी से रिलीज हुआ था, तो बहुत प्यार करते हैं मेरे को और मेरे लिए आए, बहुत अच्छा लगा। जी डेफिनेटली, एक तो अभी मैं शूट करके आया हूँ और बाकी मेरे साथ कर रहे हैं, मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ मेरे साथ गाना कर रहे हैं। मेरा नेक्स्ट आई थिंक अमन जी के साथ रोमांटिक होगा वो नहीं बताएंगे वो फिर आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूछेंगे हमसे। थैंक यू सर। इन दिनों जो सरनेम को लेके काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जी जी जी, हो गया उसको, टाइम हो गया एक हफ्ता पहले। हाँ, उसके बारे में अगर कुछ कहना चाहें। मैं यही कहूँगा कि काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी और यू नो थोड़ा सा अजीब हो जाता है जब आपका नाम मैच हो जाता है, तो कई लोगों ने बिना थोड़ी रिसर्च किए मेरा नाम लगा दिया था, जो कोई भी रैकेट वैकेट चल रहे थे, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों ने समझदारी से भी काम लिया और मेरी मदद भी बहुत लोगों ने की, और काफ़ी जर्नलिस्ट आप लोगों ने काफ़ी बढ़कर जब आप लोगों को पता चला तो सब सब जगह से रेक्टिफाई किया और लोगों को बताया, तो मेरे थोड़ी टेंशन कम थी, मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, बट थैंकफुली सब कुछ ठीक हो गया। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। सी आई थिंक यही एनकरेजमेंट चाहिए एक आर्टिस्ट को, यू नो इधर इफ इट्स एन एक्टर और अ म्यूजिशियन, तो ये जब आपका काम बाहर आके लोगों को अच्छा लगता है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी लिव फॉर एंड दैट्स व्हाट वी मेक एनी प्रोजेक्ट और एनी म्यूजिक, तो उसी के लिए ही बनाते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, तो यही हमें हौसला देता है कि नेक्स्ट टाइम फिर हम वापस से सॉन्ग करेंगे और फिर पूछेंगे आपसे कैसा लगा आपको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे हमेशा से था इफ़ आई एम डेब्यूटिंग इन अ म्यूजिक एल्बम और एनी वेयर एल्स यू नो द सेटअप नीड्स टू बी अमेजिंग एंड आई एम अ म्यूजिक लवर, मुझे गाने सुनने बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा गाती भी हैं? वो आप लोगों के ऊपर है? नहीं, मैंने कभी इनके सामने भी नहीं गाया, मुझे शर्म आती है, मतलब वो प्रोफेशनल्स के आगे मैं नहीं गाती, मैं आप लोगों के आगे गा सकती हूं। मैं कान बंद कर लूं? देखा। सो एनीवे, बट मुझे, मैं म्यूजिक लवर हूँ, मेरी गाड़ी में हमेशा अमेजिंग सा म्यूजिक चलता है, मेरे घर पे भी हमेशा स्पीकर्स अपडेट होते रहते हैं टू हियर द बेस्ट वॉइस। सो आई वॉज वेरी श्योर वेन आई हर्ड दिस सॉन्ग कि ये गाना मुझे करना है, एंड ऑफकोर्स गजेंद्र के बहुत सारे गाने मेरे फेवरेट हैं जो इनको भी नहीं पता, इतनी बात नहीं हो पाई, बट हाँ, सो आई कीप लिसनिंग टू हिज सॉन्ग्स, दे आर ऑलवेज देयर इन माई प्ले लिस्ट, एंड अमन जो है वो बहुत टाइम से मेरे साथ एसोसिएट होना चाहते थे और कई गाने उन्होंने बताए भी मुझे, बट मुझे था कि करना है तो अच्छा गाना करना है, एंड लकीली आई हैड द कम्प्लीट पैकेज वेयर आई हैड mesmerizing voice of Gajendra, and he was also featuring in the video, and you know, the stunner looks which have been created by our director, so I'm really happy. Manara, so, just taking that singing wala factor, I mean the Chopras are known for singing, you know, Priyanka Chopra hone dijiye ya Pariniti, recently to gaane sabhi gaai rahe hain, just actor aur gaane wala ek element aa hi raha hai, so I mean there are no plans aise kuch agar aaya aage zehen mein to Well, he knows his secret, and now it is for world to know. Well, last lockdown I started singing on my Instagram, and many of my friends, they really liked it. So when people were looking for different activities, you know, to pursue, I persuaded that. And people kind of liked it. मैं बस fun में करती थी, कोई भी minus track उठा के गाना गाती थी, and a lot of people encouraged me. So I happened to record a cover, and if that cover is like liked by people, then maybe going forward I'll do something. But अभी I'm too shy to just go ahead and record a song. It's too big of a responsibility, and so one step at a time. And Rajendra ji, प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि आपके जो गाने होते हैं जी, आपका गाना स्टार्टिंग से सुनते आए हैं, सुपर डुपर लोगों की जुबान पे है, तो अब ऐसे में कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि इस गाने को भी उस लेवल तक ले जाए। सी आई थिंक ये एकदम वैलिड क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफकोर्स बढ़ता है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम अगर मैं अपना वही ऑनेस्टली जो ईमानदारी से मैंने जो पहला गाना बनाया था उस ईमानदारी से अगर नहीं बनाऊंगा अब, और किसी प्रेशर की वजह से या व्यूज़ लाने की वजह से या यू नो हिट कराने की वजह से अगर गाना मैं बनाऊंगा तो फिर वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी मेरे काम के लिए भी, और जो लोग वेट करते हैं मेरा गाना सुनने के लिए उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है, बट वो एक लड़ाई है जो मुझे अपने आप से ही लड़नी पड़ती है जब मैं गाना बना रहा होता हूँ, तो वो प्रेशर हटा के गाना बनाना जो मेरे मन का है, जो मैं चाहता हूँ लोग सुने और जो मैं चाहता हूँ शेयर करना लोगों के साथ, वही मैं बनाता हूँ। इसी सवाल को आगे लेके जाना चाहूँगा कि इन दिनों जो है रिक्रिएशन का दौर चल रहा है, आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स बना रहे, तो उस चीज़ का चैलेंज आपके ऊपर है अगर? आई थिंक सी ए चैलेंज है फॉर श्योर, इट्स आई थिंक द करेक्ट वर्ड यू हैव यूज्ड इज द चैलेंज, क्योंकि चैलेंज फॉर श्योर है, क्योंकि क्या होता है रिक्रिएशन गानों में एक रिकॉल वैल्यू होती है, आपने ऑलरेडी सुना हुआ है,
आप दोबारा सुन रहे हैं तो वो चलेगा. बट द थिंग इज अगेन आई विल कम टू बैक टू द सेम थिंग कि मेरे लिए स्पेशली गाना हिट होना उतना मायने नहीं रखता जितना लोगों को अच्छा लगना मायने रखता है. मैं उसके लिए जाता हूँ कि लोगों को अच्छा लगे, चाहे कम लोगों को अच्छा लगे चाहे ज़्यादा लोगों को अच्छा लगे, अगर पहुँचेगा गाना लोगों तक तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उनको अच्छा लगे. आई डोंट रियली गो विद द नंबर ऑफ व्यूज एंड हिट्स, तो वो थोड़ा मेरे लिए काम आसान रहता है मेरे दिमाग में, यू नो, व्हेन आई एम मेकिंग सॉन्ग. कमिंग बैक टू सॉन्ग, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, तो उसके लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? आई थिंक इट वाज प्रिपरेशन ज़्यादा करनी नहीं पड़ी. वी वर मैं काफ़ी थोड़ा हो जाता हूँ नर्वस, बट शी वॉज रियली गुड. ये नर्वस होते हैं. कितनी एल्बम्स कर ली? आई थिंक अबाउट 25 और 22 एल्बम्स ही हैज ऑलरेडी फीचर्ड एंड डन द वीडियो. या हाँ, एक्चुअली मतलब आई एम यूज्ड टू दिस, बट शी व्हेन यू हैव अ गुड को स्टार इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं. इट्स नाइस, मतलब हो जाता है व्हेन वी आर स्टिकिंग टू, यू नो, हम जब स्टिक करते हैं कि इनको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, एंड व्हेन दैट इज हैपनिंग तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती. थैंक यू सो मच. सो यू नो व्हेन दिस लाइन केम टू, सो द फर्स्ट थिंग विच केम टू मी वॉज दिस लाइन, ना होना तुमसे दूर. एंड दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट लाइन विच कम्स टू आई थिंक एवरी वन्स माइंड, not in terms of just romantic thing, but you know, agar aapka koi family member hai, anyone you love, ye line aapke dimag mein aayegi ki, you know, na hona tumse dur. It's a simple line, it's a very simple line. So this line came in my mind, to maine socha ki is pe ek gana banana chahiye, to then I started making the whole song. मुझे लग रहा था आप ऐसे कुछ अटैकिंग क्वेश्चन करने वाले हो. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से इन्होंने पूछा ना, that was best. Yes, yo. He got you. Now you have to answer. So honestly, if I tell you just as friends, there are many options, honestly. But I am in a phase where I just want to meet a lot of people, hang out with a lot of people, and get to know a lot of people. And right now I'm in that phase where I'm enjoying that. And love is something which just happens. You don't plan anything like that okay, ab main isse dur nahi hona chahti, or you know, vice versa thing. So when it is to happen, it will happen. But right now I'm just in a phase of making a lot of friends, chilling with the friends. That's all about it. Thank you so much यार आने के लिए. थैंक यू. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बताइए कि हमने का गाना बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं, तो बताइए कि कैसा लगा आपको? बहुत बहुत बढ़िया लगा. जितना प्यारा गाना है उतना ही प्यारा वीडियो है. एंड आई थिंक गजेंद्र एंड मनारा दे आर लुकिंग फैबुलस. एंड बहुत बहुत प्यारा वीडियो, आई थिंक लोगों को बहुत अच्छा लग गया. एंड अगेन गजेंद्र हैज डन हिज मैजिक. यू नो, गजेंद्र वर्मा के गानों में एक सिंप्लिसिटी होती है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं. आई थिंक दैट्स कम आउट अगेन एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. आई लव्ड इट. वी जस्ट अनाउंस्ड एक्चुअली राइट नाउ कि माई नेक्स्ट सॉन्ग, या माई नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग विथ समर प्रोडक्शंस एंड प्रांजल दादा एंड यू नो अमन के साथ आ रहे हैं. एंड इट्स गोना बी अ ब्यूटिफुल वीडियो फॉर श्योर. एंड रीमेक का सवाल किसी ने किया था, आई थिंक आपने किया था. मेरा गाना इज़ रीमेक. इट्स अ रीमेक ऑफ अ वेरी बिग सॉन्ग. एंड लाइक यू नो, आई थिंक द रिकॉल वैल्यू ऑफ रीमेक सॉन्ग्स आर, यू नो, आज की जनरेशन के लिए रफ़ी साहब, किशोरदा, सिर्फ सिंगर्स जो यू नो जानते हैं, काफ़ी जानने वाले वो ही सुनते हैं. आज की जनरेशन लिसन टू गजेंद्र एंड यू नो द न्यूअर आर्टिस्ट. सो रीमेक्स आर अ गुड वे टू कनेक्ट आर करंट जनरेशन टू द रूट्स एंड आई एम डूइंग दैट.
आई एम डूइंग अ रीमेक विद प्रांजल दादा एंड सारेगामा से आएगा, सो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने मिलेगा अच्छा वीडियो और मैं रहूँगा वीडियो में। उसका प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि अगर रीमेक कर रहे हैं तो मतलब लोग कंपेयर करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्रिटिसिज्म भी बहुत हद तक मिल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर आपने ओरिजिनल यू नो किसी ओरिजिनल सॉन्ग को रीमेक कर रहे हैं आप, पहली बात तो कंपैरिजंस होंगी होंगी। एंड मैंने अब तक जितने भी रीमेक किए आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट मेक इट साउंड लाइक द ओरिजिनल, जस्ट द मूड ऑफ द सॉन्ग, आई कैप्चर द मूड ऑफ द सॉन्ग। सो अब तक रीमेक्स मैंने जितने किए यू नो दे ऑल वर्क, एंड आगे भी या आई मीन कंपैरिजंस होंगी, बट अगेन द ओरिजिनल इज एन ओरिजिनल एंड अ रीमेक इज अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल आई फील। नहीं अब तक तो ऐसी कोई बात आई नहीं है, आएगी तो मैं बताऊंगा जरूर, बिकॉज ऑफ कोर्स बिग बॉस इज माय लाइक यू नो दे मेड मी हु आई एम एंड बिग बॉस इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, तो अगर ऐसी कोई खबर आई तो ज़रूर मैं बताऊंगा आप लोगों को डेफिनेटली। हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली, बिकॉज करण सर इज नोन टू बी ओवर द टॉप, यू नो करण सर इज आउट देयर एंड यू नो वो बहुत ही यू नो अपने हिसाब से चीज़ें करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज मज़ा सब कुछ है, एंड बिग बॉस इज ऑलरेडी सो फुल ऑफ मसाला एंड यू नो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी एक्चुअली। आई फील करण सर आ गए तो दिस टाइम OTT पे बहुत मजा आएगा, आई फील इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। नहीं मेरा आई थिंक दिस सॉन्ग का सबसे प्यारा लाइन वॉज ना होना तुमसे दूर, बिकॉज आई थिंक यू नो इट्स अ लव सॉन्ग फर्स्टली, एंड आप अपने प्यार जिससे आप प्यार करते हो आप उसको हमेशा यही चाहोगे ना कि वो आपके करीब रहे वो आपसे दूर ना हो, तो आई थिंक इट्स अगेन मैंने अभी आपको बताया कि यू नो गजेंद्र वर्मा इज़ वेरी सिंपल लिरिक्स वेरी ब्यूटिफुल प्योर लिरिक्स एंड दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग। डन थैंक यू।